Alba G. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व अवलंबनीय और तात्कालिक प्रश्न पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। आपने स्वयं और इस सम्मानित सदन में भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद गंभीर चिंता व्यक्त की और इस बात को स्वीकार किया कि पूरे देश में स्वाइन फ्लू के लगभग 17,000 मरीज इस समय तमाम प्रदेशों के राज्यों में लोग पॉजिटिव पाए गए, और उन्होंने उस 17,000 मरीजों में 965 मरीज जिनकी मृत्यु हो गई उस संख्या का भी उल्लेख किया। स्वाभाविक है कि जो बीमारी इस देश में 2009 से शुरू हुई हो और आज इस 2015 में अभी वर्ष बाकी है और लगभग 1,000 लोग जिस स्वाइन फ्लू से मौत हुई है, ये अपने आप में एक निश्चित तौर से हमारे समक्ष चुनौती है। माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया कि ये राज्यों से हमने बात की, मुख्यमंत्रियों से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की, टेमी फ्लू हो, उल्टी मोड़ हो, बाइबर हो, जिसकी दवाओं की कोई कमी नहीं होने पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपने महसूस किया है कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के DM को स्वाइन फ्लू हो गया, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जो अपने आप में एक बड़ा प्रेस्टीजियस पुलिस एकेडमी है उसके 5 IPS ट्रेनीज को स्वाइन फ्लू हो गया, भारत सरकार के कई लोगों को हो गया, जहां निश्चित तौर से इस जागरूकता के बावजूद मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले हम जा रहे थे लखनऊ, जिस पायलट को उस जहाज को लेके जाना था उसके परिवार को स्वाइन फ्लू हो गया और वो फ्लाइट 4 घंटे भाग गई। तो स्वाभाविक है कि आज इस स्वाइन फ्लू का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा, और इस बात की गंभीरता को दिल्ली हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि 3 दिन के अंदर टेमी फ्लू और 3 लाख मास्क लोगों को उपलब्ध कराए जाए। स्थिति क्या है कि अभी भी राज्यों के जो जिले हैं उन जिला अस्पतालों में आज भी स्वाइन फ्लू के लिए कोई टेस्ट के लिए व्यवस्था नहीं है। बड़े शहरों में तो है, मान ले दिल्ली है, लखनऊ है, तो वहाँ पे अगर कोई किसी को ये लक्षण है तो वो समय रहते हुए उसका इलाज हो जा रहा है। लेकिन अगर वो कहीं किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में है, किसी गांव में है और उसको न इलाज होने के कारण उसके समक्ष निश्चित तौर से वो रिपोर्टेड भी नहीं है। ऐसी जो डेथ हो रही है अधिष्ठाता महोदय उनके क्योंकि इसलिए कि आज प्रदेश में लखनऊ में ही जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वो KGM में हो या संजय गांधी PGI हो वहाँ पे है। पिछले दिनों गोरखपुर में भी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव टेस्ट हुआ, मेडिकल कॉलेज में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे डेथ हुई, हमारे सिद्धार्थनगर में। तो जहाँ निश्चित तौर से अभी हम लोग खुद एक्यूट इंसेफ्लाइट सिंड्रोम की और इसकी बात कर रहे थे, इंसेफ्लाइटिस की एक ये दूसरी, जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में आज मैं चाहता हूँ कि ये राज्य का विषय है हेल्थ का, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से इसका प्रकोप बढ़ रहा है, मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए और ये इस मर्ज को कैसे कर्व किया जा सकता है, इसको कैसे मरीजों को दो चीजें हो, बस मैं आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूँ कि प्रिवेंटिव के लिए वैक्सीन हो और ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, इसकी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।